नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन किल। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों के चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने की विधियाँ। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं श्रावण में शिव पूजा की विधियाँ और कैसे बनाएं शिव पूजा के लिए भस्म? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से दुर्लभ गुप्त विधि और मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102633। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के आज तिथि जो है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है व्रज और करण है विष्टि। आज की जो तिथि है वो बहुत ही विशेष, बहुत ही दुर्लभ है। सावन में ऐसा बहुत ही कम अवसर आता है कि जब सावन का सोमवार हो, सावन का पवित्र महीना हो और उस दिन चतुर्दशी तिथि भी पड़े, अर्थात शिवरात्रि, जो मास शिवरात्रि है वह भी पड़े। तो ये जो महासंयोग है सावन का सोमवार का, सावन के सोमवार का और शिवरात्रि तिथि का, आज की तिथि का लाभ उठाने का पूरा पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए साथी के साथ किसी बात पर बिना वजह आज झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, प्रेम संबंधों में भी दूरियां बढ़ सकती हैं। शांत चित्त रहने से आपको बहुत अच्छा सुफल मिलेगा, क्रोध करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध तभी मधुर हो सकते हैं जब आप शांत व्यवहार करें। कोई अच्छा सा उपहार भी आज आपको मिल सकता है। शेयर बाजार में बढ़िया अच्छा बड़ा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। ओम कामारये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी न करें। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के योग दिखाई देते हैं। यात्रा करनी पड़ सकती है, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, परिवार में शांति बनी रहेगी। करियर के क्षेत्र में आप काफी मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने की आज आपको उम्मीद है। ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय न करें। मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी बीमारी में आज आपको आराम मिल सकता है। कोई रोग जो बहुत परेशान कर रहा था उसमें आपको राहत मिलेगी। पुराने मित्रों के से मिलने के आज अच्छे अवसर मिलेंगे आपको और अच्छा दिन बीतेगा। किसी की बातों में आपको नहीं आना चाहिए, अपने पार्टनर से मिलकर के आपस की जो गलतफहमियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करें। रिश्ते वापस पुनः एक बार फिर से अच्छे हो जाएंगे। नारंगी रंग आज आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ओम गंगा धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। बड़े अनुबंध बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए। जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार के कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करें। चलिए अब जानेंगे कर्क राशि वालों के दिन का हाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जल्दीबाजी में निर्णय करने से, खासतौर पर धन से जुड़े हुए निर्णय करने से धन कहीं फंस सकता है, अटक सकता है। चोट चपेट एक्सीडेंट के भी संयोग बनते हैं। प्रेम संबंध मधुर होने के आसार है। कोई अच्छा सा उपहार भी आज आपको मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कोई नया और जटिल काम आपको सौंपा जा सकता है। रही बात घरेलू समस्याओं की तो वहां भी आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। बिना सोचे समझे कोई निर्णय, कोई बहुत जल्दीबाजी में निर्णय आज मत करिए। चलिए बात करेंगे सिंह राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि जो है ऐसी भी हो सकती है कि आज आपके लिए जो आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कोई बहुत समय से रुका हुआ कार्य सिद्ध हो जाए, आगे बढ़ने के तरक्की के मार्ग आज जो है आपकी मेहनत के माध्यम से खुल सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति से चर्चा कर लेना आज आपके लिए ठीक रहेगा। काफी अर्से बाद आपके रूटीन लाइफ में बदलाव आने के संकेत दिखाई देते हैं। यदि कोई नया ओहदा या पद आपको मिल रहा है तो आप उसके लिए उसको स्वीकार करने में देर न करें, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में क्रोध करने से बचना है। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि किसी चल या अचल संपत्ति के लिए खरीद फरोख्त की कोई बात काफी समय से चल रही है तो उसके लिए अब समय आ गया है कि आपका एक कार्य सिद्ध हो जाए। किसी मनपसंद जगह पर अपनी गतिविधि को आप तेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिजूल की तड़क भड़क दिखावे से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और शांत दिखाने वाले व्यक्ति से आपको अपना मुकाबला किसी भी प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है। ओम कृपा निधाये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य थोड़ा भी प्रभावित है तो अपने स्वास्थ्य की स्थिति को, खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। परगोट से ममता हमारे साथ जुड़ी है। ममता अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए पंडित जी। पहले तो आपको मैं प्लीज बोलना चाहती हूँ कि प्लीज जो मैं मेरी परेशानी है उसका हल जरूर बताना जी। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है जी। 2 महीने हो गए हमारे आपस में झगड़ा होते होते और अब आखिर में आके तलाक का नाम ले रहे हो कि मैं तलाक दे रहा तुम्हें जी। पंडित जी मैं बहुत परेशान बताए। मेरे पति का जन्म यह है कि 1375 का जन्म है। एक बार पुनः दोहराइए। 1375 का जन्म है जी और दिन मंगलवार का है जी। समय बताएं। और समय 6 और 5 के बीच में है जी। 6 से 5 के बीच में। 6 और 5 के बीच में है। और पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। इतनी नहीं कि मेरे बच्चे रो रो के रात काट रहे हैं और मैं भी रो रो के रात काट रही हूँ। देखिए जब आप इस तरीके से किसी बहुत बड़ी समस्या का बहुत प्रमाणिक हल चाहती है तो उसके लिए समय का सही होना बहुत अच्छा है। आपने बताया 1375 दिन मंगलवार है, यहाँ पे हमें शनिवार का दिन मिलता है। इसका मतलब कि तिथियों में भी कोई बहुत बड़ी भ्रांति, कोई बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न से जवाब देता हूँ, देने का प्रयास करता हूँ। और जहाँ आपस के संबंधों को लेकर के कोई बात आती है तो सिर्फ एक पक्ष को यानी सिर्फ पति की कुंडली से उपाय नहीं होता, दोनों की कुंडली, पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी चाहिए। और टीवी पर इतना समय नहीं होता कि आप दोनों का बहुत ही रिसर्च कर सके, तुलनात्मक अध्ययन कर सके। यहाँ जो मेरे सामने परिस्थितियाँ प्रश्न लग्न में वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती हैं। बृहस्पति देव की महादशा है और सूर्य की अंतरदशा है। बृहस्पति देव अष्टम भाव के स्वामी इसमें दिखाई देते हैं। परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं। आपको भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु के साथ साथ यदि आप शिव पूजा करती हैं, खासतौर पर भगवान शिव और माँ पार्वती, क्योंकि माँ पार्वती को सुहाग की देवी बोला गया है। आपने देखा होगा कि सुहाग की रक्षा के लिए, अच्छे पति प्राप्ति के लिए भी माँ पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। तो माँ पार्वती का जो स्वरूप है जिसे मंगला गौरी का स्वरूप कहते हैं, उस स्वरूप की आराधना करना और भगवान श्री विष्णु की आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी शिव मंदिर में जाएं, दूध से जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, माँ पार्वती की आराधना करें। माँ पार्वती को सुहाग सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए, निश्चित ही आपके सुहाग की रक्षा होगी। जो तलाक की स्थिति है देवी की कृपा से वो बच जाएगी। बरेली से आशुतोष हमारे साथ जुड़े। आशुतोष अपनी डिटेल बताते हुए अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी। नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1993 जी और 12:30 शाम का जन्म है जी। सर मैंने इस समय फिलहाल पॉलिटेक्निक के एग्जाम दिए हैं और पूछना चाहूँगा कि मेरा जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा और मैं आगे नौकरी के विषय में पूछना चाहता हूँ जी। बिल्कुल, देखिए आपके लिए परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतरदशा, बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में लग्न भाव, उसके साथ साथ चतुर्भाव के स्वामी है। ये समय आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का समय दिखता है, आपको प्रयास करना चाहिए। ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, पीले वस्त्र धारण करना अपनी नियमित दिनचर्या में और पीले मिष्ठान दान करना किसी ब्राह्मण को गुरुवार के दिन में आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। और ये जो सावन का महीना है, सावन के साथ साथ चतुर्मास चल रहा है, इस चतुर्मास में दो ही देवताओं की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है। एक तो है महादेव शिव और उसके बाद भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी, वो आप यदि करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो
तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आचार्य जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए। और आचार्य जी, बात करें आज के दिन की, तो बेहद खास है आज का दिन। जी बिल्कुल, आज की तिथि जो है वो बहुत ही विशेष है। आज की तिथि में किसी भी जातक को अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी तरफ से कुछ भी छोटा सा ही सही, सूक्ष्म सा ही सही, लेकिन शिव पूजा अवश्य कर सके। क्योंकि आज का जो संयोग है वो मैंने बताया बहुत ही दुर्लभ संयोग है। आज एक तो सावन का महीना चल ही रहा है, जिस महीने में महादेव की कृपा बहुत आसानी से मिल सकती है, उसमें सावन का सोमवार और जो संयोग तिथि और नक्षत्र का बनता है वो तो बहुत ही अद्भुत है। अर्थात आज शिवरात्रि भी पड़ रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ संयोग है। कई सौ वर्षों बाद ये संयोग बन रहा है और आज के समय में हमारे आपके जीवन में समस्याएं भी उतनी ज्यादा हैं, तो ऐसी तिथि का महात्म्य बढ़ जाता है जब आप छोटे से प्रयास से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, महादेव की कृपा को कई गुना ज्यादा बढ़ा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की तिथि में शिव आराधना अवश्य करें, जैसा भी आपका सामर्थ्य है, जितना भी आपको समय मिले। कुछ समय नहीं मिलता, एक लोटा जल ही आप शिवलिंग पर अर्पित करें, लेकिन शिव मंदिर अवश्य जाइए और वहां जाकर के मत्था अवश्य टेके, महादेव की कृपा अवश्य लें। कानपुर से रुचि हमारे साथ जुड़ी। रुचि, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 2001। जी। टाइम है 9:30 सुबह के। जी। और स्थान कानपुर। जी जी, वो हकलाता है क्योंकि वो डरता बहुत है और उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है जी। और उसे पिता का सुख भी नहीं है, क्या उसे कभी पिता का सुख मिलेगा और उसकी शिक्षा कैसी रहेगी और आगे चलकर उसको कौन सी स्ट्रीम दिलाएं जिससे कि अच्छा करियर बन सके। जी बिल्कुल, देखिए इस जातक की कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग बने हैं जिसका इसको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है। जहाँ तक आपने इसके हकलाने की बात कही, तो ऐसा संयोग जो है वो बुध के पीड़ित होने की वजह से बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको बुध के वैदिक मंत्रों का जाप करा लेना चाहिए। बुध जो है शत्रु भाव में है, अस्त है। ऐसे जिसके भी कुंडली में संयोग बनते हैं तो उस व्यक्ति को बोलने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, रुक रुक के बोलना, हकलाना या तमाम इस तरीके की कुछ विसंगतियां आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको भगवान श्री गणेश की भी आराधना करनी चाहिए और उसके साथ साथ बच्चे के हाथ से कुछ हरा साग बुधवार के दिन इससे स्पर्श करा करके या इसके हाथ से किसी गौ को खिला दें, अर्थात गाय को खिला दें, किसी गौशाला में कुछ धन का दान करें, उनके चारे की व्यवस्था करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप कर लेना भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक पिता सुख की बात है तो आने वाले समय में इसको पिता का सुख अवश्य ही मिलेगा। वर्तमान समय में पीले वस्त्र इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा धारण कराएं। इसके नाम से पीली चीज़ों का दान करना, पीली चीज़ों में शहद, मुनक्का और उसके साथ साथ चने की दाल आती है, गुड़ आता है, पीला वस्त्र होता है, केला होता है। गुरुवार के दिन कम से कम 16 गुरुवार आप ये चीज़ें दान करिए, जल्दी आपको अच्छा फायदा मिलता दिखाई देगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल, साथ ही जानेंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चलिए अब जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके अपने काम से आपके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो सकता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बहुत ही जल्दीबाजी में कोई काम मत करें, जल्दीबाजी मत दिखाइए। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के दिन का हाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी की जमा पूंजी आपके हाथों में सुरक्षित रहने के लिए आज आ सकती है। लोगों का विश्वास आपके साथ बना हुआ है, कोई आपको अपना पैसा धन सुरक्षित रखने के लिए दे सकता है, तो उसके विश्वास को आप कायम रखिए। ओम परशुहस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। बहुत ज्यादा व्याकुल, बहुत ज्यादा अधीर नहीं होना चाहिए। चलिए बात करेंगे धनु राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ कठिनाई और निराशा के बावजूद आप स्वयं को कमजोर नहीं समझेंगे, अपनी मेहनत लगातार आप करते रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ओम मृग पाणिये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। हर बात पर, छोटी सी छोटी बात पर आपको उत्तेजित होना, क्रोधित होना शोभा नहीं देता, ऐसा आपको करने से बचना चाहिए। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको असावधानी से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपके कार्य बहुत ज्यादा समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं और आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मन को अशांत होने से रोकना चाहिए, मन को नियंत्रित करिए। चलिए बात करेंगे कुंभ राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई व्यक्ति जो आपका विरोधी है या आपके बिजनेस में आपका राइवल है, उसका ध्यान आपकी तरफ लगा हुआ है, वो आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको नुकसान पहुंचाने के, तो आपको बहुत ज्यादा अपने अब काम को लेकर के आज अलर्ट रहना है, सचेत रहना है, ध्यान रखना है कि आपके शत्रु आपके कार्य को प्रभावित ना करें। ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से आपको क्रोधित नहीं होना है, अपने दिल और दिमाग को शांत रखिए, ठंडा रखिए। चलिए अब जानेंगे मीन राशि वालों के दिन का हाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है, ऐसे काम से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओम कवचिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी भी परिस्थिति में आपको कड़वे बोल तीखे बोल नहीं बोलने चाहिए। चलिए अब देखते हैं आज का महा उपाय। जो आज का महा उपाय हमेशा की तरह बेहद खास है, और आज के महा उपाय के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से शिव पूजा के लिए आप स्वयं अपने हाथों से अपने सामने भस्म बना सकते हैं, विभूति जो हम भगवान को अर्पित करते हैं, त्रिपुंड जो लगाते हैं, वो आपको किस तरीके से बनाना है, ये जो उपाय है आज तक कभी भी टीवी पर किसी भी चैनल ने बताया नहीं है, इस तरीके का किसी ने प्रयास नहीं किया। दूसरी चीज कि इस उपाय के बारे में या इस विधि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही कम उल्लेख है, सिर्फ एक या दो प्रामाणिक उल्लेख मिलते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस विधि से यदि आप भस्म बना करके महादेव शिव की पूजा में उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये विधि आप जानिए, समझिए और उसका लाभ लीजिए तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की तिथि के महत्व के बारे में भी मैंने आपको बताया है, आज की तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज की तिथि का भी आपको जानकारी कर लेना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में बिल्व पत्र का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी बताया गया हमारे धर्मशास्त्रों में। तो जो विभूति आप बनाने जा रहे हैं उसको किस तरीके से करना है आज मैं आपको बताता हूँ। शिव पूजा में प्रयोग आने वाली विभूति, इसकी जो विधि है गुप्त विधि, वो कैसे आप प्रयोग करें। आज की तिथि में आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव की पूजा करने की अनेक विधियां हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में बिल्वपत्र, भस्म और रुद्राक्ष, इन तीनों वस्तुओं के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी गई है। शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता के अनुसार गाय के गोबर, बिल्व वृक्ष और शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास या बेर की लकड़ियों को अघोर मंत्र द्वारा उच्चारित करके अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए। वो अघोर मंत्र कौन सा है? ओम अघोरेभ्यो अथ घोर घोर तरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्तोस्तु रुद्र रूपेभ्य। इस मंत्र का उच्चारण कर आप अग्नि स्थापित करें, इसे शिवाग्नि कहते हैं और इस प्रकार से बनी भस्म को शिवाग्नि जनित भस्म कहते हैं और यही शिव उपासना के काम में आती है। इस प्रकार जलाए जाने पर जो भस्म बने उस भस्म का जो सफेद वाला हिस्सा है, सफेद वाला भाग है, उसे आपको निकाल करके अलग रख लेना चाहिए। यही सफेद भाग ही शिव पूजा में पूजन के काम में लिया जाता है। इस भस्म को कपड़े से छान करके अलग रख लेना चाहिए। पूजा के समय जल में मिला करके भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं भगवान शिव के ऊपर, इसे आप अर्पित कर सकते हैं, उनकी भस्मा आरती में आप प्रयोग लेते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग पर तीन आड़ी रेखाएं इस भस्म से बनाई जाती हैं, जिसे त्रिपुंड कहते हैं। मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों से ये दो रेखाएं बनाई जाती हैं और अंगूठे से बीच की रेखा विपरीत दिशा में खींच दी जाती है, या बीच की तीन उंगलियों से ही ये त्रिपुंड बनाया जाता है। स्वयं को भी शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए मस्तक पर, दोनों भुजाओं पर, हृदय पर, नाभि पर कम से कम 5 स्थानों पर त्रिपुंड अवश्य धारण करना चाहिए। भस्म के अभाव में शुद्ध मिट्टी का भी प्रयोग किया जा सकता है। बिल्व पत्र, बिल्व वृक्ष को महादेव का ही रूप माना जाता है, इसलिए बिल्व पत्र भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं आज की तिथि में। रुद्राक्ष वृक्ष भगवान शिव के नेत्रों के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसी कारण रुद्राक्ष का भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक महत्व है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के अनुसार शिव जी को चंपा और केवड़े को छोड़ करके सभी प्रकार के पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं। तो यदि आप इस तरीके से इस विधि से भस्म बनाते हैं और आज सावन के दूसरे सोमवार पर बताए गए विधि विधान के अनुसार आप महादेव की साधना और आराधना करते हैं तो निश्चित ही महादेव किसी भी प्रकार के कष्ट को हर लेंगे, आपके जीवन में दुख की जो स्थिति है वह तत्काल दूर हो जाएगी। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल।
आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।